पहला उदाहरण इस प्रकार है जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस उदाहरण में हमने एक कलश लिया है जिसमें एक से बीस तक संख्यांतित बीस गेंदें रखी हुई हैं हर गेंद पर एक संख्या लिखी है जिसका मान एक से बीस तक है ऐसे किसी कलश में से यदि चार गेंदों को यादचिक रूप से बिना वापस रखे निकाला जाता है तो हम यह दर्शित करते हैं एक याद शिक्षर एक्स से कि जो चिनी हुई गेंदें हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या की गेंद क्या है यह हमारा यादशिक्षर है तो उस यादिक्षर का मान 10 से अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात करिए तो आपने इस प्रयोग को समझा होगा किसी कलश में हमारे संख्यांकित गेंदे रखी हैं हर गेंद पर एक संख्या लिखी है जिसका मान एक से 20 तक है और हमें उसमें से जो भी गेंदें निकालते हैं उनमें जो सबसे बड़ा मान होता है वह चर है और उस मान का दस से अधिक होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है तो इसका हल हम इस साक्ष्य से कर सकते हैं कि अगर हम याद रूप से कलश में से चार गेंदों को चुने तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो आप जैसा देख रहे हैं हमें चार गेंदें चुननी हैं और हर गेंदों पर कुछ संख्या अंकित है तो सबसे बड़ी संख्या का न्यूनतम मान हो सकता है चार क्योंकि पहली तीन गेंदों जो हमने चुनी है उनका मान क्रमशः एक दो तीन कोई एक विशेष परिस्थिति है लेकिन इस दशा में हमें सबसे बड़ी गेंद का मान सबसे न्यूनतम चार प्राप्त होगा अन्यथा उस सबसे बड़ी गेंद का मान चार से बढ़ते हुए बीस तक कोई भी एक हो सकता है अब हमें ये पता है कि अगर कलश में से हमने चार गेंदे चुनी हैं तो उनके चुनने के कुल कितने प्रकार हो सकते हैं आपने पूर्व की भांति उन प्रकारों की संख्या आप गणित कर सकते हैं 20 सी चार या 20 में से चार चुनता यह सारी घटनाएं ये सारे चुनाव सम संभावित होंगे इसलिए किसी भी एक x के किसी हर एक मान को लेने की संभावना जो संभावित मान है चार से लेकिन बीस के बीच में की संभावना हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं वह संभावना हो गई कि x कोई मान ले रहा है और उस मान का मान चार से लेके बीस तक हो सकता है कि चार से और बीच के बीच में हो सकता है तो इसकी प्रायिकता होगी कुल अनुकूल परिस्थितियाँ अनुकूल परिस्थितियाँ यह हैं कि हमने जो गेंद चार गेंदे चुनी हैं उसमें सबसे बड़ी गेंद का मान अगर आई है तो आई मान से एक कम हम जो क्रमित मान होंगे एक से लेकर आई माइनस वन तक उनमें से कोई तीन गेंदों के मान किसी प्रकार चुन लें और हमें ये पहले ही निकाल रखा है कि चूँकि कलश में बीस गेंदे हैं तो चार गेंदे कुल कितने प्रकार से चुनी जाएंगी यह प्रतिदर्श समृष्टि की कुल संभावनाएं होंगी तो इन दोनों संभावना का अनुपात ही इस प्रायिकता को इंगित करेगा कि हमारा याद या एक्स कोई एक संभव मान लेगा चार से बीस के बीच में तो यह प्रायिकता हम इस तरह निकाल सकते हैं और अभी हमने ये प्रायिकता जो निकालनी है वह है कि सम का एक्स का मान दस या दस से अधिक हो तो ऐसी संभावनाएं होंगी तो जो इच्छित प्रायिकता है वो उपरोक्त की तरह हम इस प्रकार गणित कर सकते हैं कि हमारा या शिक्षा एक्स दस से बड़ा होगा तो उसकी बहुत संभावना है दस से बड़ा होने की संभावना तो वो उसका मान ग्यारह बारह से लेकर बीस तक हो सकता है तो हमें उसके एक भी मान लेने की प्रायिकता उपरोक्त निकाल रखी है जैसा कि इस पद में हमने निकाल रखा है तो इसी पद का इस्तेमाल करते हुए हम ये प्रायिकता निकाल सकते हैं कि वो याद शिक्षर का मान 10 से अधिक के होने की प्रायिकता क्या होगी तो ये सारी संभावनाएं, चूँकि स्वतंत्र रूप से हैं तो अतः इन्हें इनका हम एक चुनाव की प्रायिकता को हम जितनी संभावना है उससे योग कर देंगे तो हमें कुल प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी तो जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे कुल 11 से के 20 तक की कुल संभावनाएं होंगी तो हम इसे इस तरह योग कर देंगे तो प्रायिकता प्राप्त हो सकती है यहाँ पे i का मान इसको हल करने में थोड़ा हमें समय लगेगा तो इसके लिए हम एक आसान तरीका ढूंढते हैं जो कि इस तरीके से भी निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी उस श्रेणी का योग करना पड़ेगा और योग करके हमें प्रायिकता प्राप्त होगी तो हम इसी प्रश्न का हल एक थोड़ा और सीधे तरीके से निकाल सकते हैं वह इस प्रकार है कि हम ये देखें कि, कि यादसिक चर के दस से अधिक मान लेने की प्रायिकता को क्या हम किसी अन्य प्रायिकता के संबंध में व्यक्त कर सकते हैं तो आप अगर ध्यान दें तो हम इस प्रायिकता को एक पूरक प्रायिकता के संबंध में भी व्यक्त कर सकते हैं और वो पूरक प्रायिकता यह होगी कि अगर हम प्रायिकता निकालें उस याद शिक्षर के दस या दस से कम मान लेने की मैंने सबसे बड़ी गेंद का मान दस या दस से कम आने की तो उसे अगर हम इकाई या जो कि प्रतिद्वि समस्ट की समष्ट की प्रायिकता इकाई होती है में से घटाने पे हमें जो प्रायिकता प्राप्त होगी वह हमारी इच्छित प्रायिकता होगी यह प्रायिकता हम ज़्यादा आसानी से गणित कर सकते हैं कैसे अब क्या करना है अनुकूल परिस्थितियाँ एक से दस तक संकेत गेंदों में से चार गेंदे के चुनने की कुल विधियाँ तो जो कि होंगी दस सी चार और हमें यह पहले से ही पता है कि हमें कलश में बीस गेंदे और चार गेंदे निकाली हैं बिना वापस रखे तो उनकी कुल प्रकार होंगे बीस सी चार तो इस तरह से हम उपरोक्त इच्छित प्रायिकता को हम ज़्यादा आसानी से आकरित कर सकते हैं तो आपने यहाँ पे यह देखा होगा कि हमने क्या इस्तेमाल किया हमने ये इस्तेमाल किया कि एक जो है प्रथम सिद्धांत से कि हमने किसी या चर की प्रायिकता निकाली और उन सारी संभावनाओं को योग किया क्योंकि याचिक्षक के उन सारी संभावनाएं जो है वो स्वतंत्र हैं तो उनकी प्रायिकताओं का योग करके ही इच्छित प्रायिकता हम ज्ञात कर सकते हैं तो दूसरे विधि में हमने एक पूरक घटना के संबंध जो कि आसानी से निकाली जा सकती को इस्तेमाल करके इच्छित प्रायिकता का गणन किया